जो है खेलने में व्यस्त है, इसकी मम्मी जो है अंदर दिखाने के लिए गई है। तो कुकु बेटा, आपने बोला कि आप आराम करो जितना हो सके, थोड़ा टेंशन कम लो, तो आपको बॉडी मतलब रिलैक्स हो जाओगे थोड़ा। हेलो कैसे हो आप, सब पूछो। ये लो कुकु की फ्रेंड। बोलेगा गाइस, तो आप सभी का वेलकम। आज व्लॉग की शूटिंग मैं कर रहा हूँ, ये देखो हमारी कुकु को। तो आज मैं और कुकु और कुकु की मम्मी सब जो है सरकारी हॉस्पिटल में आए थे, हमारे यहाँ क्या है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो उसी के लिए आए थे। अब हमारी कुकु जो है खेलने में व्यस्त है, इसकी मम्मी जो है अंदर दिखाने के लिए। तो कुकु बेटा, हेलो हेलो, बाय बाय कर दो, चलो बाय 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 कर दो। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, और अभी दोपहर हो रहे हैं, मतलब दोपहर हो रही है अभी, क्योंकि सो रही है तो थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ, ठीक है। उसको दूध दे दिया मैंने और वो पी रही है, अपना सो रही है आराम से। खाना वाना सब हो गया था हमारा। एक्चुअली आज सुबह हॉस्पिटल गए थे, तो आशीष अपना पैर दिखाने जाते हैं ना, तो इसलिए गए थे। और दूसरा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मैं मुझे ना वीकनेस वीकनेस लग रही है, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है इस वजह से। और कुकु की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, खांसी वगैरह होती थी, तो मैंने सोचा था कि चलो आज मैं भी, हम तीनों ही चले जाते हैं, ताकि वो अपना पैर दिखा देंगे, कुकु को भी दिखा देंगे, और मैं भी अपनी कंडीशन बता दूँगी गायनों को कि मेरे थोड़ा वीकनेस लग रही है और बॉडी में पेन रहता है। तो बस वही है, अभी मेरा 2 दिन का काम और रह रहा है, तो 2 दिन के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी, क्योंकि इतना बर्डन नहीं रहेगा जितना मैं लगातार लगी रहती हूँ। तो और इस सही मायनों में मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि तू इतने टाइम तक बच्चे के साथ होके काम कैसे कर लेती है, तो मैं उनको एक ही जवाब देना चाहती हूँ, मैं अपनी नींद ख़राब करती हूँ। पता है आपको, मैं दिन में नहीं सोती, लेटती तक नहीं हूँ मैं, और ना मैं रात को ठीक से सोती हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, मैं कल रात भी, आशीष की नाइट ड्यूटी थी, तो मैं कुकु को सुला के फिर काम करने लगी, और जब वो वापस आए तब तक मैं काम ही कर रही थी, क्योंकि मुझे अर्जेंट एक मेल करनी थी मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा कि मैं रात को ये काम निपटा देती हूँ। तो ये सब मुझे मैनेज करना पड़ता है गाइस, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो वो बात मेरे साथ हो रही है आज के टाइम में ना। तो खैर अभी 2 दिन का काम और है, 2 दिन के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, काम चलेगा लेकिन इतना नहीं चलेगा जितना मेरे पे बर्डन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं रिलैक्स भी हो जाऊँगी, बस अभी यही था। और आपने बोला कि आप आराम करो जितना हो सके, थोड़ा टेंशन कम लो, तो आपको बॉडी मतलब रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा ज़्यादा बर्डन ले रहे हो इस वजह से, शायद हो सकता है कि कमज़ोरी आ रही है, खाने पीने भी अच्छे से दे दो। तो बस यही था। तो जो भी शूट आशीष ने करा है वो मैं पहले, वो ही पहले दिखेगा आपको, उसके बाद ये सब चीज़ें आएंगी। तो बस आशीष के पैर की कंडीशन डॉक्टर ने ये बोली है कि अभी उनको जितना हो सके कम चलना है और जितना हो सके आराम करना है। तो रही बात एडमिट होने की, तो अभी मुझे लगता नहीं वो एडमिट होना चाहते हैं, पर हाँ कुकु के बर्थडे के बाद वो सोचेंगे इस बारे में कि मैं एडमिट हूँ या नहीं हूँ। तो अभी हम पहले सोचना है कुकु का बर्थडे हो जाए, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं रहे कुकु के बर्थडे में, थोड़े दिन रह गए हैं, तो बस वो बर्थडे करने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
तो गाइस आधे से ज़्यादा घर तो यही तहस नहस करके रखती है। देखना सारे टॉयज नीचे गिरा के सोफे पे बैठी है आराम से। और ना फ़ोन है इसके हाथ में, दो फ़ोन ना आशीष के ख़राब हो चुके हैं तो उन्हें फ़ोन ना फ़ोनों को ना कान पे लगा के बात कर रही है। मैं आवाज़ दूंगी ना तो देखना कैसे हंसेगी। कुकू क्या कर रहे हो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कैसे हो आप, छ पूछो हेलो कुकू से बात। हाँ हेलो कुकू से बात करा दो भाई। हाँ सारे टॉयज नीचे गिरा रखे हैं इसने। हाँ बात कर लो बात। किसका ओले फ़ोन भी गिरा दिया। किसका फ़ोन है आपके पास, किसका फ़ोन आया? उसको ही नहीं पता किसका फ़ोन आया। हेलो कुकू से बात करा दो भाई। उसको जहाँ बैठना होता है ना वहाँ कोई चीज़ नहीं चाहिए, सब कुछ मतलब वो फ्लोर खाली होना चाहिए। देखो कैसे फेंक फेंक के मार रही है सब चीज़। अब देखेगी कहाँ गई। क्या करूँ ये लड़की शैतान बहुत हो रही है। कुकू कियांशा नितांशी का नितांशी मामू की नितांशी। हाँ हाँ जी तो गाइज मैं यहाँ काम कर रही हूँ और कुकू मेरी वहाँ अपना खेल रही है, तो जब तक वो खेल रही है तब तक काम हो जाएगा। तो अभी कर लेती हूँ फिर मिलेंगे आपको। तो गुड इवनिंग गाइज, और अभी खाना वाना खा लिया हमने, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। और क्योंकि आशीष जैसे ही आए थे ना तो मैंने खाना वाना सब तैयार कर दिया था, तो फिर बस अब कुकू को भी थोड़ा मन लग जाएगा इसलिए वॉकिंग कर रहे हैं। आज कहीं गए नहीं क्योंकि इन्हें आज अब अपने पैर को जितना हो सके रेस्ट देना है। वो चल भी इसलिए रहे हैं कि बिल्कुल ही मतलब वो ना हो, उनको पेन तो हो रहा है पर कह रहे हैं कि चलना ठीक रहेगा थोड़ा सा, तो अभी जाके अब सो ही जाएंगे थोड़ा सा घूम घाम के बस। और क्या ये कुत्ते काटेंगे तो नहीं, ऐसे काटते तो नहीं है कुत्ते। इनकी आँखें देखो कैमरे में कैसी लग रही है, बड़ी डरावनी लग रही है तुम्हारी आँखें। ये गरबा हो रहा है यहाँ पे, तो ये नवरात्रि की प्रिपरेशन कर रहे हैं आई थिंक। अब नवरात्र आने वाले ना, शराब के बाद नवरात्र ही हैं, तो ये लोग पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा है। One hour later. तो गाइस घर आ गए हम लोग घूम फिर के, और हमारे साथ तो पहले ना हमारे साथ ही एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेबर रहते थे, मतलब आशीष के साथ ही जॉब करते हैं, भाई है ऋषि भाई और पूजा। तो उनके घर गए थे, थोड़ी देर बैठे बातचीत करी, और पूजा ने चाय भी बनाने दी तो चाय भी कराए हैं। तो बस अभी घर आ गए हैं और सोने की तैयारी करते हैं, सो जाते हैं क्योंकि कल मॉर्निंग ड्यूटी है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत काम अब कम हो जाएगा दो दिन बाद, तो फिर व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, व्लॉग पर थोड़ा ध्यान दूँगी, ठीक अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और बस अभी यही था। तो चलो गाइस वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करें अभी ना बन जाना चैनल को। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, बाय।